صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على رسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الأحسن، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال مولانا علي بن الحسين عليه السلام: تفكروا واعملوا لما خلقتم، فإن الله لم يخلقكم عبثا. وقال مولانا إمام الحسين عليه السلام: هل من ناصر ينصرنا. برمحمد وآل محمد صلوات صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. أزاد أرني سيد الشهداء أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين بن علي عليه الصلاة والسلام. أيام مخصوصة ہے، أيام عزاداری و عبادت گزاری ہے. ان ایام کے ذریعے سے استفادہ کرنا، ان ایام کے ذریعے سے محاسبہ نفس کرنا، تزکیہ نفس کرنا، اپنی پاکیزگی اور اپنے گھر والوں کی پاکیزگی، اپنے معاشرے کی پاکیزگی کے لیے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، کاوش کرنا، قرآن و سنت و سیرت عترت اطحاء علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا اور قرآن و سنت و سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، یہ ہم سب کی اور ہر فرد آزادار کی ذمہ داری ہے. شب شہادت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. اللہم صلی علی محمد و آلہ. بہرحال ضروری یہ ہے کہ جو بھی کام انجام دیا جائے، جو بھی فعل، جو بھی عمل انجام دیا جائے، بیداری کے ساتھ، شعور کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، علم کے ساتھ
और बुरदबारी के साथ अंजाम दिए जाएं। जैसे कि मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मुहम्मद आले मुहम्मद अज्जल इरशाद फरमाते हैं कि खलिस नफ्सका यकफीका क़लीलुम मिनल अमल, तुम अपने आप को मुखलिस बनाओ, इखलास के साथ फ़ैल को अंजाम दो, इबादत को अंजाम दो, अमल को अंजाम दो, तो तुम्हारी नजात के लिए यही कम अमल काफ़ी है। यानी अमल कम ही क्यों ना हो लेकिन इखलास के साथ अंजाम दे। दिन भर रात भर मस्जिद में रहकर बैठकर या मुसल्ला पे के ऊपर बैठकर तस्बीह घुमाते रहें और अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहें, सुबहानअल्लाह पढ़ते रहें, और उसके साथ साथ उसके अंदर इखलास ना हो तो उस अमल का कोई फ़ायदा हरगिज़ नहीं है। पांच वक्त की नमाज सिर्फ़ वाजिब नमाज पढ़ें और उसके अंदर दिक्कत के साथ, गौर के साथ, फ़िक्र के साथ, मानी के अंदर तदब्बुर करते हुए, मखारिज के ऊपर अबूर हासिल करते हुए, मखारिज की और कवायद तजवीद के रियायत करते हुए नमाज को सही तरीके से पढ़ें और सिर्फ पांच वक्त के वाजिब फ़राइज़ को अंजाम दें और इखलास के साथ अंजाम दें, तो ये बेहतर है उन नमाज़ों से जो शब और रोज़ में पढ़ते रहें लेकिन उसके अंदर ना आदाब की रियायत हो, ना तजवीद की रियायत हो, ना उसके अंदर रुकू और सुजूद के यानी हक़ अदा हो रहा हो, तमाम तर तरीके से रुकू अंजाम दे रहा हो सही तरीके से। मसलन क़याम को ले जाकर सजदे के साथ मिला दें, सजदे को ले जाकर क़याम के साथ मिला दें, रुकू के ज़िक्र को ले जाकर क़याम के साथ और अल्लाह अकबर को ले जाकर रुकू के साथ मिला दें। ये इस तरीके से बेतरतीब और मवालात के बग़ैर, मारिफत के बग़ैर अंजाम देने वाली ज़्यादा नमाजों से बेहतर यह है कि पांच वक्त की नमाज वाजिब नमाज अदा करें और उसी नमाज के अंदर इखलास मौजूद हो और उसी नमाज के अंदर तजवीद की रियायत हो, हर हरफ को अपने मखरज से अदा करें, क़ुरान मजीद की तिलावत कम से कम करें, एक आयत ही क्यों ना हो पूरे पारे को ख़त्म करें, या मसलन पाँच दिन में, दस दिन में पूरे कुरान को ख़त्म करें, उसके अंदर ना तजवीद की रियायत हो ना उसके अंदर लहन की रियायत हो, तो उससे बेहतर यह है कि रोज़ाना एक आयत पढ़ें और सही तरीके से पढ़ें। तो अर्ज़ करने का मतलब ये कि अमल अगरचि कम हो लेकिन इखलास ज़रूरी है। इखलास जब तक नहीं होगा, इखलास के साथ जब तक अदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारा कसीर अमल कोई फ़ायदे का हरगिज़ नहीं है। कम अमल ही क्यों ना हो लेकिन इखलास के साथ हो। मिल के दरुद पढ़िए मुहम्मद व आले मुहम्मद पर, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले। बहरहाल अय्याम अज़ा हैं और हमारे रविश और हमारे अजदाद के रविश के मुताबिक माह मुहर्रम अल हराम, माह सफ़र, यहाँ तक कि आठ रबीउल अव्वल तक आज़ादारी का सिलसिला जारी है और यह रियायत भी ज़रूरी है, होनी चाहिए। आज़ादारी ज़रूरी है इसलिए कि आज़ादारी वो प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से हमारी तरबियत होती है, वो प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से हमें मारिफ क़ुरान की, सुन्नत की और सीरत की मारिफत मिलती है, इल्म और आगाही में इजाफ़ा हो जाता है, शऊर में इजाफ़ा हो जाता है, हम बाअदब बन जाते हैं इन मजालिस के ज़रिए से, इन आज़ादारी के ज़रिए से। तो लिहाजा आज़ादारी वो ज़रिया है जिसके ज़रिए से हम अपनी औलाद की और अपनी, अपने घर वालों की, अपने माशरे की तरबियत करते हैं। आज़ादारी ज़रिया तरबियत है, ज़रिया नजात है, ज़रिया हिदायत है, और इस आज़ादारी को महदूद नहीं करना चाहिए। एक दो महीने के अंदर मसलन इसको महदूद करें और उसके बाद नऊज़ु बिल्लाह इमाम हुसैन मज़ूम अलैहिस्सलाम को विदा करें, नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, जैसे कि हम रिवायत के अंदर भी इस तरह की कुछ रिवायतें मिलती है और बाज़ अशआर शुअरा किराम के अशआर के अंदर भी इस तरह के शेर मिलते हैं कि कुल यौमिन आशुरा व कुल अर्ज़िन करबला,
हर दिन आशुरा है और हर ज़मीन करबला है। आज हम पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान की यह सरज़मीन करबला है। इसके अंदर क्या करना है? करबला वालों ने जो किया है वही हमने भी करना है। आप दुनिया के किसी भी गोशे व किनार में बैठे हो, आपको आपके जहन में यह बात होनी चाहिए कि करबला आज भी पुकार रही है। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम आज भी पुकार रहा है। सिर्फ माह मुहर्रम, माह सफ़र, 8 रबीउल अव्वल तक नहीं पुकार है, बल्कि सालों साल पुकार रहा है। जिस कलाम का, जिस हदीस की को बयान करने का शर्फ हासिल किया, मेरे मौला इरशाद फरमाते कि हल मिन नासरी यंसुरना, क्या कोई है जो मेरी मदद करे। बाज़े उलमा के नज़दीक 3 दफ़ा आपने ये इस्तगासा बुलंद किया। पहले इस्तगासे पर इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम खीमे से लाठी हाथ में लेकर खीमे से निकलते हुए नज़र आए तो मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, बहन ज़ैनब, सज्जाद को रोक दो। और दूसरा इस्तगासा हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम ने अपने आप को झूले से गिराया। और बाज़ और रिवायतें भी हैं, बहुत सारी रिवायत है जिसके अंदर बाज़ रिवायत ये बताती है कि जिन्नात आए इमाम की नुसरत के लिए और फरिश्ते आए इमाम की नुसरत के लिए, लेकिन सबको वापस भेज दिया। आखिरी मराहिल में इमाम हुसैन मज़ूम अलैहिस्सलाम की शहादत से कुछ लहजा पहले भी आपने हल मिन्ना सरी यंसुरना की सदा बुलंद की। क्यों? अली अकबर शहीद हो चुके, हज़रत अब्बास अलहमदार अलैहिस्सलाम शहीद हो चुके, असहाब शहीद हो चुके, यहाँ तक कि अली असगर अलैहिस्सलाम भी शहीद हो चुके। और उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम का ये फरमाना, हल मिन नासरी यंसुरना, क्या कोई है जो मेरी मदद करे, तो ये पैगाम था मेरे लिए और आपके लिए। मेरे मौला ने एक मकसद के लिए ये इस्तगासा बुलंद किया, एक हदफ के लिए इस्तगासा बुलंद किया। इमाम की नुसरत, इमाम हुसैन मज़ूम अलैहिस्सलाम जो नुसरत मांग रहे हैं वो दीन की नुसरत है, वो मकसद की नुसरत है, वो अहदाफ की नुसरत है। दीन के ऊपर कोई आंच आ जाए, दीन को दागदार बनाने की कोशिश की जाए, कुरान को दागदार बनाने की कोशिश की जाए, कुरान की मुखालिफत हो जाए, शरीयत की मुखालिफत हो जाए, तो वहाँ पर हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम लोगों से और आलम इंसानियत से मदद मांग रहे हैं। बिल्कुल वही जिस आयत की तलावत करने का शरफ हासिल किया, परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहे हैं कि या अय्युहल लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए वो लोगों जो ईमान ला चुके हैं, जो अपने आप को मोमिन कहलवाते हैं, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम खुदा की नुसरत करोगे तो खुदा तुम्हारी नुसरत करेगा और तुम्हें सिबात कदमी जैसी अजीम नेमत से नवाजेगा। साबित कदमी कब आएगी? जब हम अखलास के साथ आगे बढ़ेंगे, लिल्लाहियत होगी हमारे आमाल के अंदर, लिल्लाहियत के साथ आमाल को अंजाम देंगे। आज़ादारी सईद शहदा के अंदर जितने भी यानी इबादत हैं, जितने भी अफ़आल हैं, उन सब को लिल्लाहियत के साथ अंजाम दें। इसको रस्म व रसूम समझ कर अंजाम नहीं दें, इसको इसलिए अंजाम न दे कि हमारे आबा व अजदाद करते हुए हैं लिहाजा हम करेंगे, और इसको महदूद ना करें एक दो महीने के अंदर, बल्कि सालों सार हमारे दिल और दिमाग के अंदर करबला होनी चाहिए। इसलिए कि हर ज़मीन करबला है और हर दिन आशूरा है मोमिन के लिए। मोमिन हर वक्त आमादा रहता है। करबला का पैगाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का ये इस्तगासा, हल मिन नासरी यंसुरना, ये मोमिन को हमेशा आमादा रखने का एक ज़रिया है। ये पैगाम इस्तगासा मोमिन के ईमान को हमेशा चौकस रखता है, हमेशा आमादा रखता है किसी न किसी वाक़े के लिए, किसी न किसी सानहे के लिए और किसी न किसी अमल के लिए। ईमान को हरकत में रखने का ज़रिया है इमाम हुसैन मज़ूम अलैहिस्सलाम का इस्तगासा। और पैगाम करबला सन 61 हिजरी के बाद ख़त्म नहीं हुआ, इमाम हुसैन मज़ूम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इमाम सैयद साजिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम
मिल के दरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। اللهم صل على محمد आले मोहम्मद। और शरीकतुल हुसैन हजरत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा ने करबला से लेकर कूफा, कूफा से लेकर शाम, यहाँ तक कि जब तक जिंदा रहे पैगाम करबला को लोगों तक पहुँचाते रहे। ये ऐसे ही हम तक नहीं पहुँचे ये आज़ादारी, ये आज़ादारी बड़ी बड़ी कुर्बानियों के ज़रिए से हम तक पहुँची है। ये आज़ादारी मुफ्त में नहीं मिली हमें, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ इस आज़ादारी के लिए दी गई है। तो लिहाजा इसको समझने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है, फ़िक्र करने की ज़रूरत है। जब तक हम फिक्र नहीं करेंगे तब तक हम मकसद तक नहीं पहुँच सकेंगे। फिक्री आज़ादारी, शऊर के साथ आज़ादारी, और इस आज़ादारी को इबादत समझ कर अंजाम दे। इस आज़ादारी के साथ जो भी अमाल रिलेटेड हैं उसको मुनज़्ज़ह करने की कोशिश करे, उसको पाकिज़ा रखने की कोशिश करे। बहुत सारी बातें करते हैं लोग लेकिन अमली मैदान में आकर हमें कुछ नज़र नहीं आता। आज़ादारी है सैयदुश्शुहदा के अंदर। अगर आप तबर्रुकात देते हैं, तबर्रुक देते हैं जिसे हम नजर व नियाज कहते हैं, उसके अंदर भी इखलास ज़रूरी है। और उसके अंदर यानी इस आज़ादारी के साथ उनसियत ज़रूरी है। मसलन एक बंदा जिसका बाप मर जाता है बिलफर्ज, या इसका कोई रिश्तेदार मर जाता है, या माँ मर जाती है, तो उसके घर के अंदर जो जो चीज़ें पकती है, जो जो चीज़ें मुहैया की जाती है खाने खिलाने के लिए, वही चीज़ें आज़ादारी में इस्तेमाल होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम अपने मरहूमीन के लिए मसलन दाल चावल खिलाएं, पापे और चाय पिलाएं, और आज़ादारी के लिए तरह तरह के यानी अखराजात करें, तरह तरह की चीज़ें, वो चीज़ें लाएं जो जिनको शादी ब्याह में या मसलन पार्टियों में जिसको जिन चीज़ों को खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये उनसियत नहीं रखती। ये चीज़ें एक मुसीबत के साथ उनसियत नहीं रखती, मौजून नहीं है। आज़ादारी सैयदुश्शुहदा के अंदर मसलन ब्रोस्ट खिलाएं, या मसलन सीख और कबाब खिलाएं, खाएं। बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर हैं, ऐसी चीज़ों की रियायत करते हैं। खुद घर के अंदर भी आज़ादारी अय्याम अज़ा के दौरान या मुहर्रम अल हराम के दौरान मुहल्लालात को भी इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं। आज़ादारी आपको हलाल चीज़ों से रुकने के लिए नहीं है, यानी हलाल को हलाल समझने के लिए और हराम को हराम समझने के लिए है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं हमारे घरों के अंदर अय्याम अज़ा में गोश बहुत कम पकते हैं, बहुत कम मिलते हैं खाने को। और इसी तरीके से जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे खाने हैं, वो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। क्यों हैं? इसलिए कि हम मगमूम हैं, गमजदा हैं, आज़ादारी है। मजलिस और गम के अय्याम में ऐसी चीज़ों को अक्सर इस्तेमाल नहीं करते। हराम नहीं है, हराम और हलाल होना ये अलग मसला है, लेकिन एक रियायत होती है। एक मुसीबत ज़्यादा के हाँ जो खाना पकते हैं वही खाना अय्याम अज़ा में मुहैया करना चाहिए और खाना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो लिहाजा बड़े बड़े खाने जो शादी ब्याह में इस्तेमाल होते हैं या बहुत बड़े पार्टियों में इस्तेमाल होते हैं, उनको आज़ादारी के अंदर दाखिल करना, आज़ादारी और मजालिस के लिए तबर्रुकात के तौर पर इस्तेमाल करना, ये नामुनासिब है, मुनासिब नहीं है। हराम नहीं है, हराम होना ये एक अलग मसला है, नामुनासिब होना ये एक अलग मसला है। जिस तरीके से हम अपने मरहूमीन के लिए जिसके घर के अंदर मुसीबत आई है, रहलत हुई है, उसके घर के अंदर मुख्तसर चीज़ों के ऊपर इक्तफा करते हैं, पापे और चाय पे इक्तफा करते हैं, मसलन दाल चावल के ऊपर इक्तफा करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आज़ादारी है सैयदुश्शुहदा की मजालिस के अंदर, तबरुकात के अंदर भी यही रियायत होनी चाहिए। इसलिए कि हमें अपनी मुसीबत से ज़्यादा आले मोहम्मद की मुसीबत ज़्यादा अजीज़ है।
जिन चीज़ों की रियायत अपनी मुसीबत करते हैं उनसे ज़्यादा रियायत आले मोहम्मद की मुसीबत में करनी चाहिए। तो बात हो रही थी इखलास के साथ अंजाम दे, जो भी अमल अंजाम दे रहे हैं इखलास के साथ कम से कम खर्चा करे, कोई मसला नहीं है। उनसियत और रबत रखने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करे। जो चीज़ें मुसीबत के अय्याम में, जैसे कि काले लिबास पहनते, क्यों पहनते हैं? इसलिए ना कि हम मगमूम हैं, हम गमजदा हैं, हम आले मोहम्मद की मुसीबत में मगमूम हैं, हम मातम कर रहे हैं, आज़ादारी कर रहे हैं, इसलिए हम काले लिबास पहनते हैं। मसलन हमारा रवैया बाकी अय्याम से मुहर्रम अल हराम के अज़ा के अय्याम में मुख्तलिफ हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से खाने पीने की चीज़ों में भी इसी तरह से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज़ादारी के अय्याम में इस तरीके से खाने पक रहे हो, इस तरीके से लोग तरह तरह के खाने और ग़ज़ा और खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो जैसे एक शादी ब्याह के अंदर कर रहे हैं, लोग मजाक उड़ाएंगे हमारे। ये गमजदा लोगों की रविश नहीं है, ये मगमूम लोगों की रविश हरगिज़ नहीं है। मगमूम लोग सादा तरीके से कामों को अंजाम देते हैं और मुसीबत ज़्यादा लोग कम खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। आप देखते हैं जुलूस के अंदर या मजालिस के अंदर जो बड़े बड़े जुलूस होते हैं, मजालिस होती है, उनके अंदर आप देखते हैं शॉपर भर भर कर ले जाते हैं। अक्सरियत की ये ख्वाहिश है कि वो खाने पीने के लिए आते हैं, यानी उनका मकसद, उनका हम व गम खाना पीना, तबरुकात जमा करना, नज़र व नियाज जमा करना, ये मकसद है। क्या पैगाम देना चाहते हैं इसके ज़रिए से हम? क्या आज़ादारी है? सैयद शहदा का मकसद खाना पीना है? या इमाम हुसैन मज़ूम अलैहिस्सलाम ने हल मिन नासरी यंसुर की सदा आपके खाने पीने के लिए दिया है? नहीं अजीज़ा ने गिरामी, जहाँ पर भी बिदअतें राइज हो रही हो, जहाँ पर भी दीन की मुखालिफत हो रही हो, जहाँ पर भी इस्लाम की मुखालिफत हो रही हो, वहाँ पर डट कर मुकाबला करना, ये इस्तगासा, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जवाब है। आज भी हम सिर्फ मुहर्रम और सफ़र में नहीं, सालों साल जब भी दीन के ऊपर कोई आँच आए, जब भी शरीयत के ऊपर कोई आँच आए, जब भी कुरान के ऊपर कोई आँच आए, आज़ादार को हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब कुछ लुटाने के बाद, सब कुछ कुर्बान करने के बाद आखिरी दफ़ा हल मिन नासरी यंसुरना की सदा मेरे लिए और आपके लिए दी है, मुझे और आपके ज़मीर को बेदार करने के लिए। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है या लैतना कुन्ना माकुम, किन के लिए कह रहे हैं? हबीब इब्न मज़ाहिर के लिए। जब हुसैन की बात आती है तो वो लोग कहते हैं कि जी वो तो मासूम थे, मासूम कहाँ और हम कहाँ। और ज्यारत वारिसा के अंदर जब हम ज्यारत पढ़ते हैं तो इमाम हुसैन मज़ूम अलैहिस्सलाम की ज्यारत में ये जुमला नहीं है कि या लैतना कुन्ना माकुम, काश मेरे मौला हम आपके साथ होते, नहीं है, बल्कि ज्यारत शहदा के साथ है। शहदा करबला की जो ज्यारत है उसके अंदर ये जुमला मौजूद है कि या लैतना कुन्ना माकुम, ए करबला के अंसार हुसैन के अंसार हुसैन के असहाब, काश हम आपके साथ होते। लेकिन इस जुमले को अमली जामा पहनाने के लिए यह कहना पड़ेगा कि आज भी हम हुसैन के साथ हैं, आज भी हम करबला में हैं, आज भी हर लहजा करबला का लहजा है। जब भी दीन पर कोई आ जाए, जब भी माशरे के अंदर कोई बिदअत राइज होने की करने की कोशिशें की जाए, जब भी आज़ादारी के अंदर बिदअतों को राइज करने की कोशिशें की जाए, आज़ादारी को दागदार करने के लिए तरह तरह के रविश और तरह तरह के की साजिशें होने लगे, तो उन साजिशों से टकराने का नाम हल मिन नासरी यंसुरना की सदा का जवाब है। अगर आज आज़ादारी को शो पीस बनाने की कोशिशें की जा रही है, आज़ादारी को लोगों की निगाह में एक फंक्शन बनाने की कोशिशें की जा रही है, लोगों की निगाह में एक ग़ज़ा और खाने पीने और वो भी तरह तरह के अच्छे अच्छे खाने पीने मुहैया करने का ज़रिया करार देने की कोशिशें की जा रही हैं, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हर फर्द आज़ादार को आगे आने की ज़रूरत है। इसलिए कि इमाम हुसैन मज़ूम अलैहिस्सलाम की हल मिन नासरी यंसुरना की सदा आज भी हमारे दिलों में मौजूद है।
जहां जहां जिस जिस के दिल में हुसैन की मोहब्बत मौजूद है उस उसके दिल में हल मिन नासरी अंसुरना की सदा भी मौजूद है। और उसका जवाब क्या है? जवाब यही है, दीन की मुखालिफत हो रही हो वहां पर इकदाम करना है, शरीयत की मुखालिफत हो रही हो वहां पर इकदाम करना है, दीन की नुसरत करनी है, कुरान की मुखालिफत हो रही हो वहां पर कुरान की नुसरत करनी है, शरीयत की मुखालिफत हो रही हो वहां पर शरीयत की नुसरत और शरीयत की मदद करनी है। यह है हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का पैगाम। हल मिन नासरी अंसुरना का जवाब यह है कि मेरे मौला, हम हर वक्त, हर लहजा, हर मोड़ पर, हर जगह पर आपकी इस सदा के, सदाए इस्तेगासा पर लब्बे कहने के लिए तैयार हैं। कहते तो हैं कि हम लब्बे क्या हुसैन की सदा तो बुलंद करते हैं, लेकिन जहां दीन पर आंच आती है, जहां शरीयत और इस्लाम को दागदार बनाने की कोशिश की जाती है, जहां आज़ादारी या सैयद शहदा को दागदार बनाने की कोशिशें और साजिशें होती हैं, वहां पर हमारे किरदार से लब्बे क्या हुसैन की सदा बुलंद नहीं होती, वहां पर हम किसी को मना करते हुए नजर नहीं आते। अगर कोई मना करते भी हैं उसकी मुखालिफत में उंगलियां उठती हैं। अजीजान गिरामी, किसी के दिल में दर्द हो रहा होगा दीन के एतबार से, शरीयत के एतबार से, मोमिनीन के ईमान के एतबार से, तभी तो वो हमें नसीहत कर रहा होगा। इसको फिक्र करने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। कोई पागल तो नहीं होगा हमें ऐसे ही यानी इस तरह की बातें करे। जब भी आज़ादारी के अंदर और आज़ादारी की मुखालिफत में जो साजिशें होती हैं उसके खिलाफ जब आवाज़ बुलंद होती है, तो उस आवाज़ बुलंद करने वाले के गले का फंदा बन जाती है वो आवाज़। हर एक की उंगली उसकी तरफ, हर एक की बात, जिसको मुंह धोना नहीं आता है, जिसको सही तरीके से तहारत करना नहीं आता है, वो भी ऐसे लोगों की मुखालिफत में बोल रहा होता है। अलमिया नहीं है तो क्या है? आज़ादारी है सैयद शहदा हमें शऊर सिखाती है, बेदारी सिखाती है, तदब्बुर सिखाती है, इल्म सिखाती है, आगाही सिखाती है। अगर इल्म और आगाही और शऊर को हमसे जुदा कर दे तो यह आज़ादारी खोखली रह जाएगी, इसकी इसका कोई फायदा नहीं होगा। यह रस्म और रिवाज तो होगा लेकिन इसका फायदा उस वक्त होगा जब हम इस आज़ादारी के जरिए से तरबियत पाए, शऊर हमें इस आज़ादारी के जरिए से मिले। अगर इस आज़ादारी के ज़रिए से हमें सुलाया जाए, जिस तरीके से हम सालों साल सोते रहते हैं, इस आज़ादारी के दौरान भी हम सोते रहें, नमाज से गाफिल, रोज़े से गाफिल, कुरान से गाफिल रहें, तो इस आज़ादारी का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। ये आज़ादारी हमें बेदार करने का ज़रिया है, यह आज़ादारी हमें शऊर दिलाने का ज़रिया है, यह आज़ादारी हमें कुरान की मारिफत और सुन्नत और सीरत की मारिफत कराने का ज़रिया है। जब तक हम इस आज़ादारी को बेहतर तरीके से, इसका हक अदा नहीं करेंगे और इस पर अमल नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी नस्लें महफूज नहीं है। ये साजिशें जो आज़ादारी के मुखालिफत में हो रही है, तरह तरह की साजिशें हो रही है, कुछ बिदअतें राइज की जाती हैं, कुछ इसको फंक्शनल बनाया जाता है, यानी अजीब तरीके से रंग दिए जाते हैं, मुख्तलिफ खाने, मुख्तलिफ पीने की अशिया, मुख्तलिफ चीज़ें, इस तरीके से साजिशें हो रही हैं, तो इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी। आने वाली नस्लों को अगर महफूज रखना है तो आज़ादारी की हिफाजत कीजिए, आज़ादारी को जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए उस मकसद के लिए इस्तेमाल कीजिए। आज़ादारी दीन शिनासी के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, कुरान शिनासी के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, सुन्नत शिनासी के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, सीरत हज़रत अलैहिस्सलाम की मारिफत हासिल करने के लिए आज़ादारी को इस्तेमाल होनी चाहिए। इसके बरक्स अगर हम इसको ऐसे ही नशर इशात और ऐसे ही जिस तरीके से एक फंक्शन होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उसी तरीके से गुजार दें तो इस आज़ादारी का हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि हमारी नस्लों के लिए नुकसान होगा। इसलिए कि यह आज़ादारी बड़ी मुश्किल से हम तक पहुँची है। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का जिक्र इबादत है और इस इबादत के लिए हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दी है। आज़ादारी सैयद शहदा के लिए सन 61 हिजरी की मिसालें देने की ज़रूरत नहीं है। आज
इसी 20-25 साल के अंदर कितने शहदा हैं आज़ादारी की राह में, क्या जुर्म था उनका। क्वेटा के अंदर देखिए, पंजाब के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान में, पिशावर में, पड़ाचिनार में, कराची के अंदर, पाकिस्तान का कोई शहर नहीं होगा जहां पर 8 से 10 शहदा ना हो। इन शहीदों का खून अगर महफूज करना है, इन शहीदों के खून से अगर हमने इस्तेफादा करने रंग लेना है, तो आज़ादारी की तहफ़ुज़ के लिए जद्दोजहद कीजिए। आज़ादारी को एक अलग ट्रैक पर लगाने की कोशिशें की जा रही है, आज़ादारी को एक फंक्शन के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिशें की जा रही है। ये आज़ादारी दरसगाह है, इस आज़ादारी के ज़रिए से हम कुरान की मारिफत हासिल करते हैं, कुरान के दर्स लेते हैं। इस आज़ादारी के ज़रिए से हम सुन्नत की मारिफत हासिल करते हैं, सुन्नत का दर्स लेते हैं। इस आज़ादारी के ज़रिए से हम इत्रत अथालीसलाम की सीरत की मारिफत हासिल करते हैं और सीरत इत्रत अथालीसलाम का दर्स लेते हैं। और इमाम सईद सज्जाद अलैहि सलातो व सलाम का मिलकर दुरूद पढ़िए, मोहम्मद अली मोहम्मद। पैगाम और उनकी हदीस जिसको बयान करने का शरफ हासिल किया, इरशाद फरमाते हैं, तफक्करू, फिक्र करो। इमाम सईद सज्जाद जैसा आज़ादार इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जितना भी, जितनी भी आज़ादारी में जद्दोजहद करें, कोशिश करें, काविश करें, दुनिया भर की कोशिशें करें, लेकिन कोई भी आज़ादार इमाम सईद सज्जाद जैसा आज़ादार नहीं बन सकता। सबसे बड़ा आज़ादार ये फरमा रहा है, तफक्करू, फिक्र करो, गौर करो, कहाँ जा रहे हो, किस तरीके से आज़ादारी कर रहे हो, किस तरीके की इबादत कर रहे हो, किस तरीके की नमाज पढ़ रहे हो, किस तरीके की दुआ कर रहे हो। दुआ करते हैं, मुसीबत आती है तो खुदा याद आता है, मुसीबत टल जाती है तो खुदा भी भूल जाते हैं। ये कौन सी दुआ है, ये कौन सी बंदगी है। मुसीबत के बाद खुदा याद आए, उसके बाद खुदा को बुला दिया, परेशानी के बाद खुदा और आइमा याद आए और परेशानी ख़त्म हो गई, ना आइमा याद है ना खुदा याद है। मस्जिदें परेशानी के दौरान याद आती हैं, मस्जिदें आबाद होती हैं, मुसीबतें ख़त्म हुई, टल गई, उसके बाद मस्जिद भी भूल गए और दीन भी भूल गए, शरीयत भी भूल गए। ये कौन सा दीन है। तफक्करू, फिक्र करो, वअमलू लिमा खुलिक्तुम लह, जिसके लिए तुम्हारी खिलकत हुई है उसके मुताबिक अमल करो। कौन फरमा रहा है, सबसे बड़ा आज़ादार। सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन मज़ूम अलैहिस्सलाम और उनके अस्हाब की शहादत के बाद इमाम सैयद सज्जाद इस दुनिया का बेहतरीन और बावकार तरीन, बामारिफत तरीन आज़ादार, हुज्जत खुदा, जिनका हर लहजा, हर कलाम, हर गुफ्तगु बसीरत के ऊपर है, इल्म के ऊपर, आगाही के ऊपर, शऊर के ऊपर है, वो ये फरमा रहे हैं कि तफक्करू वअमलू लिमा खुलिक्तुम लह, गौर व फिक्र करो और जिसके लिए तुम्हारी खिलकत हुई है, जिस मकसद के लिए तुम्हें खलक किया गया है, उसके मुताबिक अमल करो। किस लिए खिलकत हुई हमारी, कुरान की सरीह आयत मौजूद है, हर बच्चा बच्चे को शायद यह आयत याद हो। कुरान ये कह रहा है, वमा खलक्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिन्न और इंसान को अपनी बंदगी के लिए खलक किया है। और इमाम सईद सज्जाद अलैहिस्सलाम भी खुदा की बंदगी की तरफ हमें नसीहत फरमा रहे हैं, इरशाद फरमा रहे हैं, फिक्र करो, गौर करो, तदब्बुर करो, किस तरह की जिंदगी कर रहे हो, किस तरह की इबादत कर रहे हो, किस तरह की दुआएं पढ़ रहे हो, किस तरह के ईमान रखते हो, गौर करो, फिक्र करो। क्या यह ईमान सिर्फ अय्याम अज़ा के साथ मखसूस है, क्या यह ईमान सिर्फ माह रमजान मुबारक के साथ मखसूस है, या पूरी जिंदगी मोमिन बनकर जिंदगी गुजारना है, पूरी जिंदगी मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारनी है, या सिर्फ इन मखसूस अय्याम के अंदर, इन मखसूस महीनों के अंदर मुसलमान बनना है। बस गौर करो, फिक्र करो, जिस मकसद के लिए तुम्हारी खिलकत हुई है उस मकसद के लिए अमल करो और अमली मैदान में आकर दिखाओ हम हुसैन वाले हैं, अमली वाले हैं।
करबला अमल का नाम है, गुफ्तार का नाम नहीं है, सिर्फ लकलके लिसानी के जरिए से बता करने गया। ये वाकया रोनुमा हुआ है। अजीजा ने गिरामी फिक्र कीजिए, गौर कीजिए, यह मत समझिए करबला नऊज़ु बिल्लाह कोई कहानी या किस्सा है, नहीं, यह हकीकत है, यह वाकया हुआ है इस दुनिया के अंदर, और इस वाकये को करबला वालों ने करके दिखाया है। और आखिरी सदाए इस्तगासा बुलंद करके अबदुल आबाद तक के लिए, तार रोज कयामत तक के लिए इमाम हुसैन मजदूम अलैहिस्सलाम ने मददगार मांगा है। और यह आजादारी हुसैन की मदद करने का जरिया है, और हुसैन का मकसद दीन की हिफाजत है, इस्लाह है उम्मत है, बेराहरवी से इस्लाम मुस्लिमीन को बचाना, बेराहरवी से उम्मत को बचाना, उम्मत की इस्लाह करना, यह हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का मकसद है। और इसी मकसद के लिए हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम सदाए इस्तगासा बुलंद कर रहे हैं, हल मिन नासरी यंसुरना, क्या कोई है जो मेरी मदद करे। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम भी इसी मकसद की तरफ इशारा कर रहे हैं, वअमलू लिमा खुलिक्तुम लह, जिसके लिए, जिस मकसद के लिए तुम्हारी खिलकत हुई है उसके मुताबिक अमल करो, लोगों को नहीं देखो लोग क्या कहेंगे, लोग तुम्हारा राजिक नहीं है, खुदा तुम्हारा राजिक है। अगर तुम्हारा ईमान खुदा के ऊपर है तो लोगों को मत देखो, राजिक वो है जिसने तुझे खलक किया है। जो मां के पेट में तुम्हारे लिए बगैर वसीले के, दुनिया की निगाह में मां के पेट में जो मौजूद है उस बच्चे के लिए कोई वसीला मौजूद नहीं है, वहां पर भी खुदा गिजा का एहतमाम कर रहा है। उस परवरदिगार की अबूदियत और बंदगी में जिंदगी गुजारो। फ़इन्नल्लाह लम यखलुकुम अबसा, बतहकीक खुदावंद मुताल ने तुम्हें बेकार खलक नहीं किया। कौन फरमा रहा है? इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाए, जिनकी मुसीबत में हम आज बैठे हैं, इमाम ज़माना अज़ल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को ताज़ियत पेश करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। और इमाम को ताज़ियत देने का बेहतरीन तरीका ये है कि इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के किरदार पर अमल करें। इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम दुनिया का अजीम तरीन आज़ादार, आज़ादारी में भी मशगूल अमल है और दीन की हिफाजत में भी मशगूल अमल है। सहीफ़ा सज्जादिया, जिसको ज़बूर आले मोहम्मद से ताबीर किया जाता है, इंजील आले मोहम्मद कहा जाता है, ये दुआओं का मजमूआ है। दुआओं के ज़रिए से लोगों को खुदा की तरफ बुला रहा है, सिर्फ ये नहीं बल्कि रिसालतुल हुकूक नामी एक किताब है मेरे मौला की, खुतबात पर मुश्तमिल है। हुकूक यानी जितने भी हक हैं इंसानों के ऊपर, उन हुकूक को बयान किया इमाम अलैहिस्सलाम ने। बेहतरीन किताब, हर घर में होना चाहिए किताब, इस घर, इस किताब का हर घर के अंदर मुतालिया होना चाहिए। अगर इसी किताब को सही तरीके से पढ़ें, इसी के ऊपर गौर करें, इसी के ऊपर फिक्र करें, तो इंसान को इंसान बनने के लिए ही काफी है। मियां बीवी के हुकूक है, मां बाप के हुकूक, औलाद के हुकूक, उस्ताद के हुकूक, यहां तक कि गुलाम के हुकूक, साथ मुसाफिर करने वाले, साथ सफर करने वाले मुसाफिर का हुकूक, हर एक का हक इमाम अलैहिस्सलाम ने उसके अंदर बयान किया है। एक तरफ से आज़ादारी भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ से दीन की नशर इशात, इस्लाम की नशर इशात, दीन के तहफ्फुज़, इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए जिद्दोजहद हो रही है। ये है हल मिन नासरी यंसुरना की सदा का जवाब। सबसे पहले इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने इस सदा के ऊपर लब्बैक करके दिखाया है, उसके बाद हमें कह रहा है, उसके बाद इरशाद फरमा रहे हैं कि तफक्करो, फिक्र करो, गौर करो, वअमलू लिमा खुलिक्तुम ला, अमल करो जिस मकसद के लिए तुम्हें खलक किया गया है, उसके बाद इरशाद फरमा रहे हैं। तो लिहाजा हमारी जिम्मेदारी बनती है
मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की आज़ादारी का ये तरीक़ा था। करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम के बाद जब मेरे मौला मदीने तशरीफ़ लाए, बाज़े रिवायत के मुताबिक एक साल तक मुखद्दरात असमत के साथ इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम जिंदान में रहे, जिंदान शाम में रहे, और शाम के जिंदान से भी तबलीग होता रहा। ऐसा नहीं है कि शाम के जिंदान के अंदर रहे तो खामोशी से रहे, नहीं, बच्चों के आवाज के जरिए से भी तबलीग हुआ। आप अंदाजा लगाएं हमारे बच्चे क्या तबलीग करते हैं। बड़े तबलीग करने के लिए तैयार नहीं तो बच्चे कहां से तबलीग करेंगे। लेकिन वहां पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके भिलकने और सिसकने और रोने की आवाज ने लोगों की नींदें खराब की। मुख्तलिफ वफूद शाम के अंदर आते थे, उन वफूद की नींद खराब होती थी। सुबह को वो सवाल करते थे कि रात को बच्चों के रोने की आवाज़ आती थी उसकी वजह से हमें अपने बच्चे याद आए, ये बच्चे कौन हैं। तो उनको पैगाम दिया जाता था कि फ़र्जंद रसूल हज्जत खुदा हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम को करबला में शहीद किया गया, उसके बाद उनके मुखद्दरात को जिंदान के अंदर, शाम के अंदर जिंदान में रखा गया है, और जिंदान के अंदर हुसैन के यतीम बच्चे बिलक रहे हैं, सिसक रहे हैं और रो रहे हैं। अब ये पैगाम जहाँ जहाँ से, जिस जिस मुल्क से वो वफूद आते थे, वापस जाकर अपने घर वालों को भी ये पैगाम देते थे कि हमें सफ़र तो बहुत अच्छा रहा लेकिन हमारी नींद ख़राब हुई, उसके नतीजे में हमें ये पैगाम मिला। हुसैन की शहादत का पैगाम, हुसैन के मकसद का पैगाम घर घर में बच्चों ने भी पहुंचाया है अजीज़ा ने गिरामी। लेकिन आजकल बड़े भी अगर ये पैगाम नहीं पहुंचा सके, इस पैगाम को पहुंचाने के बजाय दुश्मनों की साजिशों का आलयकार बन जाए और साजिशें बेनकाब करने वाले, साजिशों को उजागर करने वालों की मुखालिफत हो जाए, तो इससे बढ़कर लम्हे फिक्रिया हरगिज नहीं है अजीज़ा ने गिरामी। इमाम सैयद सज्जाद अली सलातु वसलाम जब भी बाजार में तशरीफ ले जाते तो खुसूसन कस्साब अपने दुकानों को जल्दी से बंद करते। अगर कोई दुकान खुली रह जाती और इमाम अली सलातु वसलाम की नज़र गोश के ऊपर, जानवर के गोश के ऊपर पड़ती, तो मेरे मौला सबसे पहले यही सवाल करता है, मदीने के रहने वाले मुसलमान ये बताओ कि इस जानवर को पानी पिलाकर ज़बह किया या पानी पिलाए बगैर ज़बह किया। इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के इस सवाल के जवाब में वो बंदा कहता, फर्जंद रसूल, हम आपके नाना रसूल खुदा के कलिमगो मुसलमान हैं, हम जानवर को पहले पानी पिलाते हैं यहाँ तक कि जानवर खुद अपना मुंह न उठाएं, हम उसके सामने से पानी नहीं उठाते। सैयद सज्जाद करबला की तरफ रुख करते, इरशाद फरमाते, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, बाबा आप पर सलाम हो, रसूल की उम्मत मुसलमान कलिमगो मुसलमान जानवरों को ज़बह करते हैं तो पानी पिला कर ज़बह करते हैं, लेकिन आह बाबा आपको ज़बह किया गया, वो भी पुश्त सर से ज़बह किया गया, लेकिन 3 दिन प्यासे थे, 3 दिन के भूखे थे, लेकिन पानी तक नहीं पिलाया गया। अजरकुम अल्लाह अज़ीज़ा ने गिरामी, खुदा वंद मुताल आपको सिवाय गम हुसैन के कोई गम न दे, मुसीबत हुसैन के अलावा कोई मुसीबत न दे। सैयद सज्जाद जिंदगी भर मुसीबत में रहे, 67 हिजरी में मेरे मौला की उम्र 23 साल थी, उस साल के बाद से 56 साल इमाम ने ज़िंदगी की है, उसके बाद से इमाम यके बाद दीगर मुसीबतों में मुब्तला रहे। जब भी मेरे मौला वुजू करने के लिए पानी लाते, पानी पर निगाह पड़ती, मेरे मौला करबला की तरफ रुख करते और सलाम करते, बाबा मेरे सामने पानी मौजूद है लेकिन आपको पानी नहीं दिया गया। अजीज़ा ने गिरामी हर वक्त रोते रहते थे। एक दफ़ा एक कनीज ने या एक गुलाम ने सवाल किया, फर्जंद रसूल आपकी उम्र की
काफ़ी मुद्दत गुजर गई, आप रो रहे हैं, दिन में भी रोते हैं, रात में रोते हैं, बाजार में जाते हैं तो भी रोते हैं, पानी पर नज़र पड़ती है तो भी रोते हैं। मेरे मौला, ये मुसीबत कब कब ख़त्म होगी, ये गम कब ख़त्म होगा, इसका आखिरी मरहला नहीं पहुंचा। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, ऐ गुलाम, तेरी माँ तेरी मुसीबत में बैठे। याकूब के 11 बच्चे मौजूद थे, 11 जवान मौजूद थे, एक बच्चा उनकी आंखों से गायब हुआ था, उनको भी मालूम था उसका बेटा मरा नहीं है, उसके बावजूद 40 साल तक रोते रहे, यहाँ तक कि उनकी आंखें सफ़ेद हो गई। मेरे 18 जवान मेरे आंखों के सामने ज़बह हुए। अजरुना अजीज़ा ने गिरामी, अजरुना अल्लाह, परवरदिगार आलम आपको अजर अज़ीम इनायत फरमाए। सैयद सज्जाद को हुशाम इब्न अब्दुल मलिक मलऊन अबदी की तरफ से जहर मिलता है। मेरे मौला, जहर के ज़रिए से बिस्तर के ऊपर इस्तराहत फरमा रहे, कभी गश खाते हैं, कभी बेदार हो जाते, कभी मेरे मौला गश खा जाते हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि आखिरी अय्याम था, मेरे मौला मेरे बाबा जानकनी के आलम में था, एक दफ़ा गश से बेदार हुए, उसके बाद इरशाद फरमाया, बेटा मोहम्मद, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, जिसका खुदा के अलावा कोई मददगार ना हो उसके ऊपर हरगिज़ ज़ुल्म न कर। मजलूम इमाम दुनिया से जा रहे हैं, मजलूमीन के लिए आवाज़ बुलंद करके जा रहे हैं। अजीज़ा ने गिरामी, ये आज़ादारी, ये मातमदारी, ये जुलूस मजलूम की हिमायत में आवाज़ बुलंद करने का जरिया है। सैयद सज्जाद आज दुनिया से जा रहे हैं, आपका बेटा इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम मौजूद थे, आपको गुस्ल दिया गया, आपको कफन दिए गए, आपकी नमाज जनाजा हुई, बड़े अहतमाम के साथ जनाजा निकला, जन्नतुल बकी में दफन हुआ, सलाम हो करबला वालों पर। जब मेरे मौला जीन से जमीन पर आए, दफन के अहतमाम करने के बजाय जिसमें मुतहर के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिम।